अपर राजस्थान में ओशिया शेषिंदर में पड़ासलो गांव है और पड़ासले गांव में भूमिया जी महाराज होया पणबारी एक कांकड़ ही और मर्यादा ही कांकड़ रे मायने घोड़े चढ़िया ने ऊंट चढ़िया ने बेवन को देता नहीं बीतोड़ी जो बीते ही कौन महाराज के मनोतला इड़ा बाबा रामदेव जी महाराज एक समय रोनी छे हूं हरजी बाटी की ढाणी आवता पंडित जी ढाणी जी को पड़ास ने वो रस्तो जाया करतो पहला रिते में मार्ग मार्ग गया करता जन मार्ग जाया करतो पड़ास ले ओपरो तो जिक टाइम कांकड़ में रामदेव जी महाराज घोड़े चढ़िया बेवता ओए टाइम भूमिया जी महाराज आडा फिरिया रे भाई थू कौन है घोड़े चढ़िया बे मारी कांकड़ में रामदेव जी महाराज के मैं पीरो रो पीर हूं राम सा पीरो मारो नाम रामदेव है के हेला पण मारी कोंकड़ में घोड़े बैठो बे भाई ठीक रही रामदेव जी महाराज कह रहे तू मने ललकारे बोले ललकारे तू थारी कोंकड़ में देव है तो मारी कोंकड़ में मैं भी देव हूं और मर्यादा कभी तोड़नी नहीं चाहिए मारी कोंकड़ की मर्यादा है कि घोड़े चढ़िया हूं बेवण को दोनी रामदेव जी महाराज मोनिया कोनी जिते में घोड़े की लगाम पकड़ी भूमिया जी अर घोड़ो हिंसण लागो जिते में रामदेव जी कह रहे तू चावे कहीं है बोले चाहू बड़े कहीं हूं मारी देवड़ी थारे हाथ चढ़ानी पड़ी मारी कांकड़ में तने पैदल बेणो पड़ी तो पड़ासले भूमिया जी महाराज की मूर्ति स्थापना बाबा रामदेव जी महाराज आपरे हाथों करी और जिती कांकड़ में अर्जी भाटी की ढाणी जावता जिते बाबे ने बियारी कांकड़ में पाड़ो ही बेणो पड़तो क्योंकि धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है गायर वास्ते जूझड़ा परमार्थ वास्ते और पर उपकार वास्ते जूझे जो परमात्मा भी सुने जननी जने तो ऐसा जनी और का दाता का सूर का तो रहिए बांजड़ी तुम तना गमाई जेनू हो जननी जने तो चार जनू जननी जने तो चार जन मत जन जे चालीस चारों रण में जूझसी तो चारों है चालीस सती नारी सुरा जने सती नारी सुरा जनेर बड़ भागण दातार लक्ष्मी नार हरि भक्त जने तो इन तीन में सार हर जियो रे भूमिया जलमिया जलमिया हो जी रे सूरवा जलमिया जलमिया ए वारी ने सुमवार भाई वारी ने सुमवारी चानन की तब दस जलमिया
पूरा जवान होया 17 वर्ष होया और 25 वर्ष की उम्र में भूमिया जी महाराज दौड़ागढ़ महेंद्र में होता और निर्भरी नींद में होता हुए टाइम में गांवरी गाया चरा तो दिवालियो आधी रात के टाइम में होता नहीं जा भूमिया जी महाराज ने हिलो करे के हे सुरवा आज गौ माता पर विपता पड़ी है और ये विपता की घड़ी में थाने उठनो पड़ी और गौवा की रक्षा करनी पड़ी क्योंकि मेरा चोर गया चुरा परा ले गया है तो जिनटे में केवाड़ी और कहीं सुरवे नहीं हिलो करे और कहीं बात
जिन टाइम भोमिया जी महाराज आप रो कुटुंब परिवार भाई भतीजा ने भेड़ा कर अमल कटोरा गाड़िया और रोटी मनवाना करी और भाइयों ने कह भाइयों आज गवर मैंने अब की पड़ी है और अब की में अगर आज गवर की रक्षा करो तो परो क्षत्रिय रो धर्म है और क्षत्रिय गाय वास्ते अपने प्राण री आहुति देनी है तो आज छोटा छोटा माछड़िया तरलवे है और मारी माँ ने गवा ने हिगलिया ने भेड़ी कर और मेना छोर ले गया है तो जिते में गांव रा लोग भेड़ा और कहो रे भाई भी मैंने चोरा हूं लड़ाई कौन करे मारे तो जरूरत है नहीं मारो तो आली नहीं गांव रा कई आदमी मना करे और कहीं कहे रात की गांव
और रात भी गांव में आता हूं, मैना ने भोकारिया और कहो भूमिया जी महाराज हेलो करियो। अरे मैना ठहरो भाई, अरे गौआ ने छोड़ दो अरे छोटा छोटा बासड़िया पर लवे जद मैना क्यों लागे रे। अरे भाई नहीं है थारे भाइयों वालों साथ, एक तो आयो और एक लेने दोरो बनो मारो। अरे ना तो कोई कुटुंब परिवार है, ना सारे कोई हाके सारा भाई भतीजा है, और तू एकलो आयो है तो तने एक लेने दोरो बनो मारो। तो भोमिया जी कह रहे सुन ले मेरा मारा समाचार, और सुरनो कहीं एकलो सुर भी लो कहीं एकलो और कहीं दोकलो, ए गाया तने देनी पड़ी। बोले तने थाए मारा आदमी कितनी मोटी फौज है, वे टेम भूमिया जी महाराज मां जगदम्बा ने याद करे। अरे कहीं देखो रण में कूदे मोटो केर आडो लेप्रो और जार पीठू वार करियो। तो भी टेम भूमिया जी महाराज जेको रो दड़ू शीश कटियो है और शीश कटाई हाथ में तलवारी बा गजबर लंबी तलवार बदी और थाना जठे आंखें खुली है। अबे सिर में उतन लागियो बेरीना रा शीश माथा जवे नारेड़ जवे जाओ। अरे सुर में मेणा मारिया 360 तो कदी अगर रात्री गांव जाने रे काम पड़े तो रात्री गांव री जमीन आज भी लाल है, क्योंकि बीते मेणा रो रक्त गणो शुरू हुई तो बाद जमीन एकदम लाल होगी थी। रात्री गांव में आज भी बाद जमीन लाल छुट्टी बड़ी है। और शीशरी पूजा भूमिया जी महाराज री शीशरी पूजा रात्री गांव में हुए और दड़ू गायों ने लिए पूरा रवाने हुए। और कहीं जार गेवाड़िया ने हेलो करे रे गेवाड़िया, अरे गेवाड़िया सुतो होवे तो हनुमान की।